सभी प्रकार में, सभी ढंग में, सभी शैलियों में, सभी प्रकार की विधाओं में प्रेम वाली चीज को याद रखना, तुम्हारी पूजा कर्तव्य अवश्य है, तुम्हारी पूजा का नियम जरूरी है, तुम्हारी पूजा में अनुशासन भी चाहिए, तुम्हारी पूजा में थोड़ा दबाव भी होना चाहिए कि तुम्हें बैठना ही बैठना है, तुम्हारी पूजा में थोड़ा सा डर भी होना चाहिए कि नहीं बैठेंगे कर्तव्यहीनता होगी, पाप लगेगा और अपने रब को नाराज नहीं करना, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच में कहा कि ये सब चीजें गौण हैं, लेकिन बीच में प्रेम जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वर से कोई भी पूजा पाठ करने गए हो, उस पूजा पाठ के माध्यम से अपना प्रेम भगवान के प्रति प्रकट करने के लिए गए। तुम्हारे गीत में प्रेम प्रकट हो, तुम्हारी प्रार्थना में प्रेम प्रकट हो, तुम्हारे मंत्र पाठ में प्रेम प्रकट हो, तुम्हारा यज्ञ करना भी प्रेम प्रकट करना हो, तुम पुष्प भी चढ़ाते हो तो भी तुम्हारे पुष्प चढ़ाने में भी प्रेम प्रकट होना चाहिए। तुम तिलक भी लगा रहे हो भगवान को, तिलक लगाना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, रोली कुमकुम अक्षत भगवान को अर्पित किया जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपना प्रेम ही तो प्रकट कर रहे हैं। रहीम की पंक्तियां याद कर लीजिए कि प्रेम क्या है, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले हो तरंग दून, उस प्रेम की सराहना करो जो मिलने से डबल हो जाए। क्यों, कैसा होता है, जो हरदी जर्दी तजे, तजे सफेदी चून, हल्दी और चूना मिले तो रोली बनी, कुमकुम बना। तो हुआ कैसे, जो हरदी जर्दी तजे, हल्दी ने अपना पीलापन छोड़ दिया और चूने ने अपना सफेद रंग छोड़ दिया, दोनों अपना अपनी पहचान भुला बैठे और दोनों के मिल जाने से एक नई पहचान हो गई, लाल रंग हो गया, इसको प्रेम का रंग कहते हैं। उस प्रेम के रंग को भगवान को अर्पित किया जाता है, वही प्रेम का रंग गुरु भी शिष्य के माथे पर लगाता है और शिष्य भी गुरु के चरणों में उसी रंग को अर्पित करता है। वही रंग है जो सभी मनुष्य क्या प्राणी मात्र के अंदर लहू बनकर यही रंग तोड़ रहा है, जो ये दर्शाता है कि तुम्हारे खून का रंग भी यही है और जितने भी श्वास लेने वाले जीव है इस दुनिया में सबके अंदर दौड़ने वाला यही एक रंग है। और इस रंग को समझो कि आदमी अपना खून बहता हुआ बाहर निकलता हुआ नहीं देखना चाहता, जिंदगी को बचाना चाहता है, अपने आप को बहुत प्यार करता है। तो इसी प्रेम को अगर प्राणी मात्र के लिए हम अपने अर्पित कर दें तो ये प्रेम जब प्राणियों के प्रति बहता है तब इस प्रेम के अलग 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 रूप हो जाते हैं। दुखी को देखकर सहानुभूति बनता है, सहयोग करने के लिए दया भाव आता है, दया जैसे आ जाए तो वो फिर दान बनेगा या फिर सहायता बनेगा, मददगार बन जाएगा। यही प्रेम सहयोग करने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए सहयोग करेगा, सहयोग करने के बाद फिर ये सोचेगा भगवान ने इस लायक बनाया कि मैं किसी के काम आऊं, तो फिर प्रार्थना करता है मुझे इस लायक आखिर तक बनाए रखना भगवान कि मैं मदद करूं लेकिन मुझे खुद मदद की जरूरत ना पड़े। यही प्रेम है, सेवा भी बनता है, सहानुभूति सहयोग बन जाता है। यही प्रेम है जो साधना में अर्पित होकर के समर्पण बन जाता है। उसी तरह से जैसे कि आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं
तो कहीं तो वो ओस की बूंद बन जाती है और कहीं नदी, तो कहीं उस जल को हम देखते हैं वो ओला भी बन जाता है, तो कहीं पर वो बर्फ बन जाता है, कहीं भाप। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें उसके नाम अलग अलग हो जाएंगे पानी के, लेकिन पानी वही का वही है। इसलिए आप दया को देखेंगे वो भी प्रेम है, अहिंसा आदमी अपनाता है तो वो भी प्रेम है, और जैसे ये कमी हो जाए तो घृणा में बदल जाएगी चीज। और अगर हमारे प्रेम में कमी आ रही हो तो कहते हैं इसे चार्ज करो, इस धागे को मजबूत करो। तो वेदों में बताया गया है कि संसार में प्रेम कैसे होना चाहिए, तो वहां कहा गया कि इस तरह से एक दूसरे के साथ प्रेम करो, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम प्रणोमि वह, तुम लोगों को मैं सहृदय बनाता हूं, हृदय एक जैसे हो जाए। सामनस्यम, तुम्हारे मन एक हो जाए, मतलब भावनाओं से एक हो जाओ, विचारों से एक हो जाओ। अविद्वेषम प्रणोमि वह, बैर रहित करना चाहता हूं तुम्हें। अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्न्या, एक दूसरे के साथ बस ऐसे प्रेम वाले बन जाओ जैसे तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े के साथ गौ का प्यार होता है, घास खाते खाते भी बीच बीच में अपने बछड़े को चाटती रहती है। उसका बछड़ा दूर खड़ा कर दो, पहले तो वो हाथ नहीं लगाने देगी अपने बछड़े को। जो रोज उसको घास डालता है, उसका ध्यान रखता है, उसको भी सींग से मारने दौड़ती है कि तुम मेरे बच्चे को नहीं छू सकते। हैरानी की बात तो ये कि अगर जंगल में शेर आ जाए तो जानवरों की आदत है कि हिंसक शेर को देखते ही भाग जाते हैं। तुरंत उत्पन्न हुआ हो बछड़ा, एक दो दिन का भी हो, हफ्ते का भी हो, और गौ के सामने शेर आ जाए और उसके साथ में उसका बछड़ा है, बछड़े की तरफ आया हो, तो न जाने उसको क्या हो जाता। गौ तो किसी को कहना हो कि बहुत सरल सीधा दया वाला कोई है तो कहते हैं गौ जैसा आदमी है, लेकिन वो गौ उस समय गौ जैसी नहीं रहती, उस समय सींगों से शेर का सामना करने जाती है, खुद को मार लेगी, खुद मर जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को आँच नहीं आने देगी। कहते हैं ऐसे ही प्रेम तुम्हारा आपस में होना चाहिए, एक दूसरे पर तकलीफ आए तो पहले अपने ऊपर तकलीफ को आने दो, दूसरे को कष्ट नहीं होने दो। प्रेम तो यही है। और इसको कहा गया कि पृच्छामि त्वाभुवनस्य नाभि, पूछता हूं तुमसे ये दुनिया किस चीज पर टिकी है। तो उत्तर दिया गया अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ पर, यज्ञीय भावना पर संसार टिका। बोले यज्ञीय भावना क्या होती है? परोपकार की भावना। परोपकार की भावना क्या है? अब इस परिभाषा को भी समझना। आपके द्वारा किसी भी प्रकार से दूसरे के जीवन को कहीं भी कोई हानि न पहुंचे, दूसरों की जिंदगी को जीने देने में जब आप सहयोगी बनते हैं तब आप परोपकारी कहलाते हैं। जब आप दूसरों की जिंदगी में जीवन जीने के लिए बाधा डालते हैं तब माना जाता है कि आप परोपकारी नहीं, अपकारी इंसान है, कष्ट पहुंचाने वाले, दुष्टता करने वाले, निर्दयी इंसान है।